और बिहार के कैमूर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां लोकसभा चुनाव के बाद खाते में 1 लाख रुपए आने के नाम पर भारी तादाद में महिलाएं सीएसपी सेंटर पहुंची और खाते में रुपए आने की अफवाह पर कैमूर जिले में कई सेंटर पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं अपना खाता खुलवाने पहुंच गई। वहीं जब मामले की जानकारी प्रशासन को हुई तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाया। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद गरीब महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए देने का वादा किया था, जिसकी अफवाह पर महिलाएं सीएसपी सेंटर पहुंच गईं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में भी चुनावी नतीजों के बाद ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जहां कई मुस्लिम महिलाएं पैसे लेने के लिए कांग्रेस दफ्तर पर पहुंच गई थी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लखनऊ में पहले ये घटना घटी, उसके बाद बिहार के कैमूर में यहाँ पर सीएसपी सेंटर में महिलाएं पहुंची बड़ी तादाद में खाता खुलवाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने गारंटी कार्ड दिया था जिसमें बताया गया था कि चुनाव के बाद महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये हर महीने आएंगे और सालाना 1 लाख रुपये महिलाओं को मिलेगा। सुनने के आप लोग काफी पैसा ऐसा मिले? हाँ पैसा मिले, काजी के पैसा मिले मोदी सरकार को। कौन प्रत्याशी लोग कले रहा है? कुछ तो हल्ला कुछ भल बा तो हम नोयाल बनी जाए। कांग्रेस कले रहे कि बीजेपी? जनानी कले रहे। अच्छा, वहीं पूरे मामले पर पार्षद प्रतिनिधि रविकांत ने भी बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख दिए जाने के मामले को लेकर महिलाएं खाता खुलवाने के लिए पहुंची थी, जिन्हें काफी समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। क्या है कि हम लोग पिछले 2-3 दिनों से देख रहे थे कि बड़ा भीड़ है, तो हमें लगा जो समूह का चलता है उसलिए परपस से लोग आती होंगे। आज हम देखें तो भीड़ काफी ज्यादा थी, तो हम लोगों से पूछे किस लिए आप लोग आई हैं, तो नहीं यहाँ खाता खुल रहा है जिसमें हम लोगों को 1 लाख रुपया मिलेगा। बोले कि किसने बताया? तो नहीं, लोगों के सुनी सुनाई बातों पे लोग हम लोग आ करके यहाँ खाता खुलवाने के लिए आए। हमने लोगों को समझाया कि ऐसा कोई लाभ नहीं है, लाभ आएगा तो आपको क्षेत्रीय ब्लॉक में आएगा, अपने मुखिया से संपर्क करिए, अपने वार्ड से संपर्क करिए, तब आपको खुद वो सही चीज़ बताएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी के शायद घोषणा पत्र में था 1 लाख, तो सरकार ही नहीं है तो ऐसा संभव ही नहीं है। लोग भ्रम होकर के यहाँ पे आए हुए, तो मैंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, सर लोग आए, उनको समझा बुझा के यहाँ से